खबर शिवगढ़ रायबरेली से, जहां पूर्व कैबिनेट मंत्री और मुचाहार विधायक डॉक्टर मनोज कुमार पांडे ने शिवगढ़ नगर पंचायत के पहाड़ पुरवाड़ नंबर 10 में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए सपा प्रत्याशी गीता रावत पत्नी पप्पू रावत को भारी मतों से जिताने की अपील की। शिवा पांडे ने कहा कि शिवगढ़ नगर पंचायत बनाने से गाँव से शहर में आने पर मन में कुछ सपने जगे होंगे कि नगर पंचायत में चमचमाती सीसी रोड होगी, जल निकास के लिए नालियों नालों का निर्माण होगा, नाले और नालियों की नियमित सफाई होगी, घर घर टोटियां लगेंगे, हर घर पीने का शुद्ध पानी पहुंचेगा, स्ट्रीट लाइटों से नगर पंचायत रोशन होगी, एक सुंदर टाउन एरिया के रूप में शिवगढ़ नगर पंचायत का विकास होगा। किंतु यह चुनाव दो विचारधाराओं के बीच होने जा रहा है। यदि मन में नगर पंचायत के विकास को लेकर सपना है और उस सपने को पूरा करना चाहते हो तो सपा प्रत्याशी गीता रावत पत्नी पप्पू रावत को भारी मतों से जिताकर विजयी बनाए। गीता रावत जिन्होंने लंबे समय तक प्रधान रहकर ग्राम पंचायत में विकास कार्य किया, जिन्होंने एक सपना अपना भी देखा है कि शिवगढ़ टाउन एरिया को एक अच्छी टाउन एरिया, एक आदर्श टाउन एरिया के रूप में विकसित किया जाएगा, जिनकी सोच है कि जिस प्रकार से उन्होंने गांव में विकास कार्य कराने का काम किया, यदि जनता का आशीर्वाद मिल गया तो शिवगढ़ टाउन एरिया को भी आदर्श टाउन एरिया बनाने का काम करेंगे, जनता की सेवा करने का काम करेंगे, लोगों के सपने को पूरा करने का काम करेंगे। वही दूसरी विचारधारा की सोच टाउन एरिया को गुलाबी की जंजीरों में जकड़ना है, इसलिए आगामी 4 मई को चुनाव चिन्ह साइकिल पर मोहर लगाकर गीता रावत को भारी से भारी मतों से विजयी बनाए। यहां जनसभा में उपस्थित जिलाध्यक्ष इंजीनियर वीरेंद्र सिंह, क्षेत्रीय विधायक श्याम सुंदर भारती, सपा नेता मुनेश्वर पासी, विधानसभा प्रभारी राकेश त्रिवेदी उर्फ आलू महाराज, सपा प्रत्याशी गीता रावत पप्पू रावत, ब्लॉक अध्यक्ष भानु प्रकाश पटेल, अंकित वर्मा, महेंद्र वर्मा, गिरजा शंकर मिश्रा, अवधेश रावत, अनूप मिश्रा, मुनेश्वर रावत, देवता दीन पासवान लोगों ने जनसभा को संबोधित करते हुए गीता रावत को भारी से भारी मतों से जिताने की अपील की। किस जनसभा को संबोधित किया था आपने, क्या था पूरा मामला? आज वो गांव से हट करके एक टाउन और शहर के सपने की ओर आगे बढ़े, लेकिन हम लोगों को सचेत भी करेंगे कि ये टाउन गुलामी की ओर न जाने पाए, ये टाउन में विकास हो सके, यहाँ सड़कें बने, नालियाँ बने, घर घर पेयजल पहुँचे, एक सुंदर टाउन एरिया में रह सकें लोग। और इसके लिए जरूरी है कि गीता सरोज एक गरीब परिवार की बेटी जीते, साइकिल जीते। और मैं आपको पूरे विश्वास के साथ कहता हूँ, आज जिस तरीके से यहाँ पर सब समाज के लोग गीता सरोज के साथ हैं, यहाँ समाजवादी पार्टी की साइकिल की रफ्तार को कोई छू भी नहीं पाएगा। आने वाले दिनों में आदरणीय अखिलेश यादव जी की प्रत्याशी, साइकिल की प्रत्याशी वीरेंद्र यादव की और श्याम सुंदर जी और मनोज पांडे जी की प्रत्याशी गीता सरोज ही यहाँ चुनाव जीतने जा रहे हैं।